जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले के पांचवें दिन अपर पडल में हेल्दी बेबी शो स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वन अरण्यपाल उपासना पटियाल ने शिरकत की। उन्होंने बेबी शो के विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि हर माता पिता बच्चे के भरण पोषण के साथ साथ उनके लिए एक ऐसा वातावरण व माहौल तैयार करें जिससे वे अपने माता पिता की इज्जत करने वाले व संस्कृति की रक्षा करने वाले हों। उन्होंने कहा कि सभी माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चे का भरण पोषण अच्छी तरह से करें और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें ताकि वे बुजुर्गों का सम्मान करते हुए भविष्य में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर अभिभावकों व अध्यापकों के साथ साथ प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि आज की बेबी शो प्रतियोगिता को तीन श्रेणियों में बांटा गया था जिसमें कुल 73 बच्चों ने अपना पंजीकरण करवाया जिनमें शून्य से एक वर्ष के 11 बच्चे, एक से तीन वर्ष के 40 तथा तीन से पांच वर्ष के 22 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जोनल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर बच्चों को विजेता घोषित किया गया है। बेबी शो में शून्य से लेकर एक वर्ष के वर्ग में अपर मंगवाई की कुमारी अनन्या शर्मा पुत्री दीपक शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि जवाहर नगर मंडी की कुमारी रिया ने दूसरा स्थान तथा सांबल की राधिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार एक से तीन वर्ष की आयु में महासन बाजार से दक्षानी शर्मा ने पहला स्थान, मंडी की आव्या ने दूसरा स्थान व आहना ने तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि ने स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी धनी राम, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया सहित निर्णायक मंडल के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये जो प्रतियोगिता हुई हो रही है आज, जिसके लिए सीडीपीओ साहब और इनकी टीम कार्य कर रही है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, इसमें जो विजेता हैं वो एक या दो होंगे लेकिन मैं समझती हूँ कि सभी विजेता हैं जिनको मनुष्य जीवन ईश्वर ने दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत पुण्यों के बाद हमें प्राप्त होता है। तो जिनको प्रथम, द्वितीय या तृतीय पुरस्कार मिलेंगे, सिर्फ वही विशेष नहीं है, सभी बच्चे हर लहजे में विशेष है, क्योंकि ईश्वर ने जो भी संरचना की है उसमें कुछ ना कुछ विशेषता रहती रहती है। लेकिन सभी पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सबसे अलग हो, हमारा बच्चा सबसे प्रतिभाशाली हो। जैसा कि पहले भी ये कह रहे थे कि यहाँ पर समय की कमी है, पहले ही बहुत दूर दूर से आए हैं लोग और देरी हो चुकी है, तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि आपने अपने बच्चों को अच्छा स्वस्थ तो रखा है, सुंदर बच्चे हैं ही ईश्वर की दया से, परंतु असली स्वस्थ बच्चा जो है वो तब होगा जब हम उसको इतना सभ्य बनाएं कि वो आने वाले वक्त में समाज में सबसे सुशिक्षित, संस्कारवान, और जो हमारी परिपाटी है, हमारी जो भारत की जो हमारी संस्कारवादी हमारी जो पद्धति है उसके ऊपर वो खरा उतरे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को स्वस्थ तो रखें, तो अच्छा पोषण तो दें ही, लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसे माहौल में उनकी परवरिश करें कि उन बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे समाज की रचना कर सकें, वो बेहद संस्कारवान हो, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हो और अपनी संस्कृति की भी रक्षा करने वाले हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सीडीपीओ साहब, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, और सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए और इस उसमें शामिल हुए।